ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. பகவத்கீதா தியான ஸ்லோகாஸ். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம் வியாசேன க்ரதிதாம் புராண முனினா மத்யே மகாபாரதம் அத்வைதாமிருத வர்ஷினீம் பகவதீம் அஷ்டாதசாத்யாயினீம் அம்ப த்வாம் அனுசந்ததாமி பகவத்கீதே பவத்வேஷினீம். நமோஸ்துதே வியாச விஷால புத்தே புல்லார விந்தாயத பத்ர நேத்ர ஏனத்வயா பாரத தைல பூர்ணக பிரஜ்வாலிதோ ஞானமய பிரதீபக பிரபன்ன பாரிஜாத்தாய தோத்ர வேத்ரைக பாணயே ஞானமுத்ராய கிருஷ்ணாய கீதாமிருததுஹே நமஹ. சர்வோபனிஷதோ காவோ தோக்தா கோபால நந்தனஹ பார்த்தோ வத்ஸ சுதீர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மஹத் வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்ச சாணூரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும். மூக்கம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபா தமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. அத ஷஷ்டோத்யாயஹ ஆத்மசம்யம யோகஹ. ஸ்ரீ பகவான் உவாச. அநாஶ்ரித கர்ம பலம் காரியம் கர்ம கரோதி யஹ சசந்யாசீ ச யோகீ ச ந நிரக்னிர் ந சாக்ரியஹ யம் சந்நியாசமிதி ப்ராஹுஹ யோகந்தம் வித்தி பாண்டவ நஹ்ய சந்நியஸ்த சங்கல்போ யோகீ பவதி கஷ்சன. ஆரு ருக்ஷோர் முனேர் யோகம் கர்ம காரண முச்யதே யோகாரூடஸ்ய தஸ்யைவ ஷமஹ் காரண முச்யதே. யதா ஹினேந்திரியார்த்தேஷு ந கர்மஸ்வனு ஷஜ்ஜதே சர்வ சங்கல்ப சந்நியாசி யோகாரூடஸ்ததோச்யதே உத்தரேதாத்மனாத்மானம் நாத்மானம் அவசாதயேத். ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ பந்துராத்மைவ ரிபுராத்மனஹ பந்துராத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனாஜிதஹ. அநாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்த்தேதாத்மைவ சத்ருவத். ஜிதாத்மன பிரசாந்தஸ்ய பரமாத்மா சமாஹிதஹ சீதோஷ்ண சுக துக்கேஷு ததாமானாபமானயோஹோ ஞான விஜ்ஞான த்ருப்தாத்மா கூட்டஸ்தோ விஜிதேந்திரியஹ யுக்த இத்யுச்யதே யோகீ சமலோஷ்டாஷ்ம காஞ்சனஹ சுஹ்ருன் மித்ராயுதாசீன மத்யஸ்த த்வேஷ்ய பந்துஷு சாதுஷ்வபி ச பாபேஷு சமபுத்திர் விசிஷ்யதே. யோகீ யுஞ்சீத சததம் ஆத்மானம் ரஹசி ஸ்திதஹ ஏகாகீயத சித்தாத்மா நிராஷீர பரிக்ரஹஹ சுசௌ தேசே பிரதிஷ்டாப்ய ஸ்திரமாசனமாத்மனஹ நாத்யுச்ரிதம் நாதி நீச்சம் சைலாஜின குஷோத்தரம் தத்ரைகாக்ரம் மனஹ க்ருத்வா யத சித்தேந்திரிய க்ரியஹ உபவிஷ்யாசனே யுஞ்ஜ்யாத் யோகமாத்ம விசுத்தயே சமம் காயசிரோ க்ரீவம் தாரயன் அசலம் ஸ்திரஹ சம்ப்ரேக்ஷ்ய நாசிகாக்ரம் ஸ்வம் திஷஶ்சாணவலோகயன் பிரசாந்தாத்மா விகத பீஹி ப்ரஹ்மசாரி வ்ரதே ஸ்திதஹ
मनस्संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंहितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्नचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैशनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहन्न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वता वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्रापयति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयतिश्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नोभयविभ्रष्टः चिन्नाभ्रमिव नश्यति
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति ये तन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेतानह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेहे योगभ्रष्टो विजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति पराङ्गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समेयुक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।